और आइए बात कर्नाटक की। कर्नाटक के चुनावी समर पर हमारा खास सेगमेंट कर्नाटक का रण। कर्नाटक में प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल मचा है। बीजेपी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा बयान कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। उधर पीएम मोदी ने कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद किया। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता राज्य भर में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। राज्य के 50 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों से पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में सीटों पर जीत हासिल करेगी। विपक्ष की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। आज देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है, आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है, आज देश किसानों को किस तरह से लाखों करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजकर उन्हें ब्याजखोरों से बचा रहा है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। उधर कांग्रेस भी प्रचार अभियान में जुटी हुई है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई जनसभाएं की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे के एक विवादित बयान की आलोचना हो रही है। कलबुर्गी में गुरुवार को एक जनसभा के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। भाजपा ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। मोदी जी को गाली निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। कभी चूहा, बिच्छू, सांप, घोड़ा, मौत का सुधाकर, क्या ये भाषा है? और ये कहना मोदी तेरी कब्र खोदेगी, क्या मोदी जी की कब्र खोदना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग और ऐसे षड्यंत्र रचने का काम करते हैं? कांग्रेस को देश से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त करा के इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। देयर इज अ पॉइजन इन द माइंड ऑफ खड़गे, इट्स अ प्रेजुडिस्ड माइंड टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी जी एंड बीजेपी, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंकिंग कम्स बिकॉज ऑफ डेस्परेशन। दे हैव बीन अनेबल टू फाइट हिम पॉलिटिकली इन द पार्लियामेंट आउटसाइड, and they are seeing that their ship is sinking, so desperately they are making all this kind of remarks. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस विवादित बयान की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी जितने भी खर्च करें उनके wrongly earned पैसा को जनता उनको सुनने वाले नहीं है, ये उनको समझ में आ गया है। इसीलिए बोखलाहट में आज ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे लोग को तो ये समझ में आ गए कि ये हारने के कगार में आने के बाद ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता प्रचार में लगे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार ने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस के वादों को फिर से सामने रखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उडुपी के कापू में मछुआरों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में सरकार बनने पर मछुआरों के लिए कई कदम उठाने का वादा किया। कांग्रेस गवर्नमेंट विल बी वेरी सेंसिटिव to the needs of the fishermen. We will make sure that your interests are protected. We understand very well your struggle. कांग्रेस के साथ साथ जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी भी प्रचार अभियान में जुटे हैं। जेडीएस के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने चुनाव में अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का विश्वास व्यक्त किया। गेस्ट ट्वीट
Just wait, watch how things will move in Karnataka. You'll be here, I'll be here. जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास भी तेज होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह सियासी पारा और अधिक बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।